नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा दुनिया से कॉलम पेश है पाकिस्तान अजीम नेमत। कॉलम निगार है हाफिज मोहम्मद अदरीस और आवाज है नादिया सपा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अल्लाह ताला का इरशाद है, और याद रखो तुम्हारे रब ने खबरदार कर दिया था कि अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे तो मैं तुमको और ज्यादा नवाजूंगा, और अगर कुफराने नेमत करोगे तो मेरी सजा बहुत सख्त है। सूरह इब्राहिम 7। पाकिस्तान अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है, जो लोग इसकी कदर नहीं करते वो इंतहाई नाशुक्रे हैं। अल्लाह ताला ने हमें अपनी कुदरत खास से इनाम के तौर पर ये वतन अता किया था। अंग्रेज भी हमारे मुखालिफ थे और मुतासिब हिंदू तो हमारे अजली और अबदी दुश्मन हैं। हिंदू बनिए की साजिशों से सिख अकलियत को भी पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ इस कदर मुश्ताइल कर दिया गया था कि हिजरत के वक्त मुसलमानों का सबसे ज्यादा खून सिखों ने ही बहाया था। इस सारे तनाजुर में पाक वतन का कयाम अल्लाह ताला का खास अतिया था। ऐ काश हम एक शुक्र गुजार कौम बन सकते। आज पाकिस्तान के कयाम को 76 साल पूरे हो चुके हैं। 76 सालों में कौमें कहीं से कहीं पहुंच गईं, मगर हम आज भी मुश्किलात के भंवर में फंसे हुए हैं। आजाद और जिंदा कौमें अपने नजरियात और अपने विरसे की हिफाजत करती हैं और इन पर फख्र महसूस करती हैं। हमारा अलमिया है कि हम अपने नजरियात की खुद ही धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारे सभी हुक्मरानों ने हमेशा इक्तदार में आने से कबल बड़े बुलंद आहंग दावे किए हैं। जब दावों को अमली जामा पहनाने का वक्त आए तो अदादो शुमार देख लीजिए, नतीजा सिफर बल्कि मनफी डिग्री का तर्जुमान। कितना बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान के सभी हुक्मरान अपनी कौमी जुबान से आने वाली नस्लों को महरूम कर देने की पॉलिसी पर गामजन रहे और बदकिस्मती से अब भी इसी पॉलिसी को अपनाए हुए हैं। इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाले मुल्क में इस्लामी निजाम को आज तक नहीं आने दिया गया। 1973 के आईन में कौमी जुबान की तरवीज, सूद के मुकम्मल खात्मे और मुल्क के कानूनी ढांचे को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालने की वाज़ेह दफात मौजूद हैं। इनके अमली निफाज के लिए हतमी तारीखें भी मुकर्रर की गईं, जो अरसा हुआ माजी का हिस्सा बन चुकी। बदकिस्मती से कौम आज तक उन नेमतों से महरूम है जिनकी जमानत मुतफिका दस्तूर में दी गई है। दुश्मन को क्या कोसना, हम खुद अपने दुश्मन बने बैठे हैं। अल्लाह ताला इस पाक रियासत पर रहम फरमाए। सभी सियासी कुव्वतें एक दूसरे के खून की प्यासी हैं। पाकिस्तान का कयाम दो कौमी नजरिए का मरहूने मिन्नत है। मुसलमानों ने अलग खिता क्यों हासिल किया था? कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों और तकरीरों में गैर मुबहम अंदाज में इसका जवाब मिलता है। उन्होंने बारहा ये कहा कि हमारा दस्तूर 1350 साल पहले कुरान और सुन्नत की सूरत में बन चुका है। हम एक ऐसा खिता चाहते हैं जो आज के दौर में इस्लामी निजाम की मिसाल पेश करे। रियासत पाकिस्तान का हुसूल कायद के नज़दीक इस्लामी निजाम जिंदगी के लिए एक कौमी फर्ज और दीनी तकाजा था। अगर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला कुछ मोहलत देता तो शायद इस मुल्क का हाल ये ना होता जो आज हम देख रहे हैं। नाम निहाद सेकुलर दानिश्वर कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसी शफाफ शख्सियत को सेकुलर और लादीन सियासतदान साबित करने के लिए इस अजीम शख्सियत पर बदतरीन जुल्म ढा रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने तो कभी मरूबियत का मुजाहिरा नहीं किया था। वो डंके की चोट पर अपने अकायदों नजरियात का इजहार फरमाते थे। मुलाहिजा फरमाइए। एक, हम मुसलमान अपनी ताबिंदा तहजीब और तमद्दुन के लिहाज से एक कौम है। जुबानो अदब, फनून लतीफा, फन तामीर, नामो नसब, शऊर, अकदारो तनासुब, कानूनो अखलाक, रस्मो रिवाज, तारीखो रिवायात और रुझानो मकासिद, हर एक लिहाज से हमारा अपना इनफरादी जाविया निगाह और फलसफा हयात है। बैनुल अक्वामी कानून की हर तारीफ हमारी कौमियत को सलामी देने के लिए तैयार है। एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका को बयान 1 जुलाई 1942। दो, वो कौन सा रिश्ता है जिसमें मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर इनकी मिल्लत की इमारत उस्तवार है? वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान,
वो लंगर खुदा की किताब पुराने मजीद है। मुझे यकीन है कि जूं जूं हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम में ज्यादा से ज्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक किताब, एक उम्मत। इजलास मुस्लिम लीग कराची 1943। 3, आपने गौर फरमाया कि पाकिस्तान के मुतालिबे का जज्बा मुहरिका क्या था, मुसलमानों के लिए एक जुदागाना मुमलिकत की वजह जवाज क्या थी, तकसीम हिंद की जरूरत क्यों पेश आई, इसकी वजह हिंदुओं की तंग नजरी है ना अंग्रेजों की चाल, दरअसल ये इस्लाम का बुनियादी मुतालिबा था। मुस्लिम लीग यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मार्च 1944। 4, पाकिस्तान की सरजमीन में जबरदस्त खजाने छुपे हुए हैं, मगर इसको एक ऐसा मुल्क बनाने के लिए जो एक मुसलमान कौम के रहने सहने के काबिल हो, हमें अपनी कुव्वत और मेहनत के जबरदस्त जखीरे का एक एक जरा सर्फ करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग इसकी तामीर में दिलो जान से हिस्सा लेंगे। 17 अगस्त 1947। 5, जिस पाकिस्तान के कयाम के लिए हमने गुज़िश्ता 10 बरस जद्दोजहद की है, आज बफजले ताला एक मुसलिमा हकीकत बन चुका है, मगर किसी कौमी रियासत को वजूद में लाना मकसद बिज़ात नहीं हो सकता, बल्कि किसी मकसद के हुसूल के जरिए का दर्जा रखता है। हमारा नस्बुलैन ये था कि हम एक ऐसी मुमलिकत की तख्लीक करें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जो हमारी तहजीब व तमद्दुन की रोशनी में फले फूले, और जहाँ मुआशरती इंसाफ के इस्लामी तसव्वुर को पूरी तरह पनपने का मौका मिले। हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब, 11 अक्टूबर 1947। 6, मैं चाहता हूँ कि आप सब मुकम्मल इत्तेहाद और बाहमी तावुन से काम करें, तमाम खतरों का मिलजुल कर मुकाबला करें जो आज हमें दरपेश हैं। मुझे यकीन है कि हम उन मुश्किलात और खतरों से कामयाबी से गुजर जाएंगे। पाकिस्तान की इज्जत और वकार को और भी बुलंद करते हुए, इस्लाम की रिवायात को बरकरार रखते हुए और अपने कौमी परचम को लहराते हुए। अफवाज पाकिस्तान से खिताब, 8 नवंबर 1947। यहाँ हमने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात और फरमुदात में से सिर्फ चंद के हवाले दिए हैं, वरना कायद ने इस मौजू पर बहुत कुछ लिखा और फरमाया था जो सब महफूज है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने गैर मुबहम अंदाज में दो कौमी नजरिए की तशरीह की। जो लोग पाक सरहदों को महज एक लकीर करार देते और ये राग लापते हैं कि इधर भी वही रसूम और रवाज और उधर भी वैसा ही तर्ज जिंदगी है, इनके इस फितने से होशियार रहने की जरूरत है। कयाम पाकिस्तान के वक्त दो कौमी नजरिए के हक में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा इल्मी और फिक्री काम किया, वो सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह थे। उस जमाने में इनके मजामीन मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश के उनवान से तर्जुमानुल कुरान में छपते थे, और मुस्लिम लीग का शोबा नशरो इशात उन्हें किताबचों की सूरत में पूरे मुल्क में तकसीम करता था। उन मजामीन में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीखी और इमरानी, दीनी और मजहबी, मुआशरती और समाजी, तमद्दुनी और सकाफती, सियासी और मुआशी, गर्ज हर मैदान में मुसलमानों का गैर मुस्लिमों से फर्क वाजे किया। उनके दलाइल में मंतक भी थी और तारीख इंसानी से भरपूर इस्तदलाल भी था। उन्होंने दुनिया भर के अकवामों मुमालिक और मजाहिब नजरियात से मिसालें देकर साबित किया कि मुतालबा पाकिस्तान मबनी बरहक है और इसकी मुखालिफत उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल को गिरवी रख देने के मुतरादिफ है। उन्हीं मजामीन में आगे चलकर सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को बयान किया था कि एक इस्लामी रियासत को चलाने के लिए जिस टीम की जरूरत है, बदकिस्मती से मुस्लिम लीग को वो मयसर नहीं। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह को खुद भी इस बात का एहसास था और खुद उन्होंने कई बार इसका इजहार किया। सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की इस राय को निहायत बेइंसाफी और सीना जोरी से पाकिस्तान की मुखालफत करार दे दिया गया, हालांकि ये मुस्तकबिल में पेश आने वाले मसाइल और मुश्किलात की निशानदही थी जो बाद में सच साबित हुई। कयाम पाकिस्तान की जिद्दोजहद में फिक्री लिहाज से मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों में दो कौमी नजरिए का इस्बात और अखंड भारत के तसव्वुर का बतलान बहुत बड़ी फिक्री और नजरी खिदमत है। कयाम पाकिस्तान से कबल मुल्क के बाज हिस्सों में रेफरेंडम का मरहला भी आया, जिसमें वहां के बाशिंदों से पूछा गया कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ। जिन इलाकों में रेफरेंडम हुआ था
उनमें जमात इस्लामी के अरकान वाबस्तगान ने पाकिस्तान के हक में वोट देने के लिए भरपूर मुहिम चलाई। सूबा सरहद इसकी बेहतरीन मिसाल है। कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह जोहरे काबिल को पहचानते और उसके कदरदान भी थे। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की नशरी तकरीरें जो रेडियो पाकिस्तान से नशर हुई बाकायदा छपी हुई मौजूद हैं। ये सब कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में की गई थी। जो ही कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से माह सितंबर 1948 में रुखसत हुए, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को पसे दीवारे जिंदा अक्टूबर 1948 धकेल दिया गया। कायद आजम और अल्लामा इकबाल के तस्वुर नजरिए के मुताबिक इस खित्ते पाक की तामीर हमारा मिली फर्ज है। आइए जश्न आज़ादी पर अल्लाह ताला से तजदीद अहद करें कि हम इस फर्ज की अदायगी के लिए कमर बस्ता रहेंगे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।